छोबा धोबे का तू मम्मी मार लगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। हमारे चैनल की यूपी 60 में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। फिर से तुम्हारा भाई एक और टॉपिक पे एक और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर आ गया है, जो कि आप लोगों के कमेंट इतने सारे आते रहते हैं कि मेरा वीडियो बनाना फर्ज बन जाता है, इसलिए तुम्हारे भाई ने वीडियो बना देता है। तो टॉपिक ये है, आप लोग टॉपिक पढ़ के बता देता हूँ। एक भाई जन ने कमेंट किया है, ये टॉपिक आप लोगों को टीवी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि टॉपिक क्या है। हेलो सर, मेरे पास लेब्राडोर है, वो अदर डॉग से डरता है, ठीक है। 14 मंथ का हो गया है लेकिन वो अदर डॉग से डरता है, ठीक है। इनका डॉग है, लेब्राडोर है, और अदर डॉग से डरता है। तो भाई, तो मैंने तो पहले ही बोला था कि लेब्राडोर रखने का कोई मतलब नहीं है भाई, लेकिन आप रखे हो, आपको उससे प्यार मोहब्बत है, ठीक है। लेकिन हमको भाई अपना ओपिनियन आप लोग बुरा मत मानना, सबसे बकवास डॉग लेब्राडोर लगता है। लेब्राडोर उसको बस खाने से मतलब होता है। अभी साउंड हो रहा है ना, वॉइस कैंसलेशन ऑन कर दे। नॉइस रिडक्शन ऑन हो गया, ठीक है। लेब्राडोर सबसे बकवास डॉग है मेरे तुम्हारे भाई की नजर में, ठीक है। हमको वो डॉग एकदम नहीं पसंद है, उसको बस खाने को चाहिए, घर में खेलने रहने को चाहिए, ठीक है। तो इसलिए तुम्हारा भाई इसको लेब्राडोर को सबसे बकवास डॉग कहता है। मतलब 90% देखोगे ना तो कोई भी आएगा, खिलाएगा, जाएगा, चला जाएगा, उसको बस उसको खेलने को खाने को चाहिए, ठीक है। बट कोई बात नहीं, आपने रखा है, आपका डॉग अदर डॉग से डर रहा है, तो मैं उसका रीजन बता देता हूँ कि रीजन क्या रहने वाला है, प्लस इसका सॉल्यूशन आप क्या करोगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही चीज सेम रिपीट करेंगे कि आप लोग है ना भैया बोल चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बोल फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी, ठीक है। चल बैठ रोक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये कहूंगा कि पहली बात तो आपने उसको बचपन से ध्यान नहीं रखा है, ठीक है। आपका डॉग, आपने उसको ज्यादा लाड प्यार दे दिया। जैसे तुम्हारे भाई ने एलेक्स को रखा था ना, तो एलेक्स भी ऐसी थी, लेकिन उतनी नहीं थी जितना बोलो कि अदर डॉग से डरता है, ठीक है, उतनी नहीं थी, लेकिन वो भी थी। मैंने उसको ज्यादा लाड प्यार, ज्यादा खेला कूदा दिया था घर में, मतलब घर में खुली रहती थी, ऐसे कोई भी आ रहा है, खेल रहा है, जा रहा है, इस टाइप का मैंने उसको बना दिया था। तो आप इसको कैसे सुधार करोगे, ठीक है, मेन टॉपिक पे आते हैं कि आप इसका कैसे सुधार करोगे। सबसे पहला चीज है भाई कि आप अपने डॉग को घर में खोल के मत रखो, बांध के रखो, ठीक है। आप एनी टाइम खोल के रख रहे हो, कोई भी आ रहा है, जा रहा है, वो नॉर्मल एकदम कंफर्टेबल है, ठीक है। आपका डॉग बिल्कुल घर में कंफर्टेबल है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि वो खुली रह रही है, टाइम पे खाना मिल रहा है, टाइम पे सो रही है, उठ रही है, बैठ रही है, कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इसलिए बिल्कुल वो कंफर्टेबल है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उसको बांध के रखो, ठीक है। अगर आप बांध के रखोगे ना तो वो थोड़ी चिड़चिड़ी होगी, ठीक है। उसको बांध के रखो, उसको बस 2 टाइम खाना दो, ये चीज। अगर बीच में अगर आप कोई भी चीज उसको खिला रहे हो तो आप उसको खिलाना बंद कर दो, बस उसको आप 2 टाइम खाना दो, सुबह को और शाम को, और उसको बस 2 टाइम खोलो, ठीक है। उसको बस 2 टाइम खोलना, आप उसको सुबह जब टहलाने लेकर जाते हो, सुबह को शाम को तब, और खोल के लाकर बांध दो। उसके बाद कोई भी आ रहा है आपके घर में, कोई भी एंटर कर रहा है, तो अगर वो भौंक रहा है, अगर वो एग्रेसिव हो रही है, तो उसको एग्रेसिव होने देना, ना कि आप अपने डॉग को मना करना कि चुप हो जाओ मत भौंको, ठीक है। वो एग्रेसिव हो रही है तो उसको एग्रेसिव होने दो। प्लस आप उसको जितना चिड़चिड़ा बना सकते हो ना चिड़चिड़ा बनाओ। जैसे कि आपका डॉग बंधा हुआ है तो एक होता है ना उससे छेड़खानी करने में, जैसे मान लीजिए मेजर, जैसे मान लो कि मेजर आपका डॉग बंधा हुआ है, सपोज दैट कि आपका डॉग सिक्कड़ में बंधा हुआ है, आप उसको बार बार छेड़खानी करोगे, जैसे मान लो कि उसका सिक्कड़ लास्ट ऑप्शन है, जो जिस रस्सी में आप बांधे हुए उसका लास्ट ऑप्शन है कि वो यहीं तक आ पाएगा, और आप यहाँ पर है, तो उसको बार बार टच करो, ऐसे 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 बार बार छेड़खानी करोगे ना तो वो घूरनी आएगा आपका डॉग। एक बार, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन करोगे ना, तो जब बार बार करने लगोगे ना तो वो एग्रेसिव होने, चिड़चिड़ा होने लगेगा। आप उसको बार बार परेशान करो, अभी मैं नहीं करूंगा, पकड़ लेगा तो दिक्कत हो जाएगी, लेनी की देनी पड़ जाएगी। तो मतलब ऐसे करो, आप बार अपने डॉग को चिड़चिड़ा बनाओ, मतलब एग्रेसिव होगा वो। अगर पहली बात की बांध के रखो, कोई आ रहा है, भौंक रहा है तो भौंकने दो, अब इसको चुप मत कराना। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि अपने डॉग को डांट देते हैं, डंटा दिखा देते हैं, तो वो चुप हो जाता है, डर जाता है। वो भौंक रहा है, भौंकने दो, सामने वाली गलती है भाई। तुम गेट पर ही रहो या फिर कायदे में, भौंक रहा है तो भौंकने दो। आपका डॉग भौंक रहा है तो आपको उसको नहीं बोलना है, ठीक है। प्लस आप उसको बांध के रखो, 2 टाइम खाना दो, बाकी फालतू की चीजें देना बंद करना, मतलब जब भी मन करे खिला रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीजें बंद कर दो, बस 2 टाइम पे खाना
और सुबह शाम घुमाना, और बंदा है तो बंदे रहने, तो कोई भी आएगा तो जाहिर सी बात है आपका डॉग चिल्लाएगा, चिल्लाएगा तो एग्रेसिव होगा, एक चिड़चिड़ापन जब होता है ना, मतलब दिमाग गर्म होने लगता है, ठीक है, जब आपका भी दिमाग गर्म होगा भाग ऐसे रिएक्शन आता है, तो इसको चिड़चिड़ापन बनाओ, जब एग्रेसिव चिड़चिड़ापन होगा ना तो एग्रेसिव खुद ब खुद होने लगेगा, ठीक है, तो इसको आपके डॉग को बांध के रखना है, प्लस इसको चिढ़ाना है बार बार आपको, ठीक है, अभी तो मैं तो नहीं करूंगा क्योंकि ये ज्यादा चिड़चिड़ापन है, अभी दिमाग घूम जाएगा तो लेने की देनी कर देगा, तो मतलब इसका सिक्कर जैसे मान लो कि मैंने इसको यहाँ पे बांधा हुआ है, ठीक है, मैं इसका सिक्कर ला के दिखा देता हूँ, जैसे ऐसे ही बता दे, मान लो सिक्कर यहाँ पे बांधा हुआ है, ये लास्ट ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे खड़ा हो गए भाई हमको काट लेगा, मतलब ऐसे उसको चिड़चिड़ापन बनाओगे तो उसको ऐसे करेगा वो, मतलब ऐसे एग्रेसिव होगा, चिड़चिड़ापन का उसको बार बार करो, ऐसे ही कंटिन्यू करते रहो, उसको बार बार चिड़ाओ, लेकिन एक चीज है कि अगर वो नॉर्मल रहेगा तो आपको नहीं काटेगा, अपने मालिक को नहीं काटेगा, लेकिन ये चीज ये एक्टिविटी अदर लोग से मत कराना, मतलब जिसको ज्यादा मानता है उसी लोग से कराना, हम अगर ऐसे करें तो एग्रेसिव होगा, चिड़चिड़ापन होगा, लेकिन हमको नहीं काटेगा, अगर उस टाइम पे पकड़ लिया तो काट भी देगा लेकिन बाद में, मतलब बाद में वो ये वाला गुस्सा नहीं निकालेगा आपसे, वही अदर लोग रहेगा तो अदर लोग पे निकाल लेगा, तो आप उसको एग्रेसिव बनाओ, बार बार चिड़चिड़ा करो उसको, मतलब परेशान करो, जितना परेशान बांध के, ऐसे खोल के नहीं, खोल के परेशान करोगे तो वो आपके साथ खेलने लगेगा, जैसे अभी मैं मेजर को परेशान करूं, देखो भाई ऐसे देख रहा है, डर ही लग रहा है, ठीक है, ये देखो खेलने के मूड में आ गया, ठीक है, देखो खेलने के मूड में आ गया, लेकिन वही अगर बंधा रहेगा ना, अगर हट, लेकिन वही अगर ये आपका डॉग बंधा रहेगा तो उसके बाद आप ये करोगे ना तो ये खेलेंगे चिड़चिड़ापन होगा, जैसे ये आपका डॉग खुला हुआ है, आप इसको परेशान करो, ये खेलने लगा, ये खुश हो गया, हैप्पी है, ठीक है, ये भी प्रेजेंट टाइम खुश है, खेल रहा है, लेकिन भाई अगर आपका डॉग बांधा रहेगा और आप उसके साथ ये छेड़खानी करोगे तो वो भी खेलने के मूड में आएगा, लेकिन आप उसको खोलोगे नहीं, खोलोगे नहीं तो वो चिड़चिड़ापन आएगा, वो एग्रेसिव होगा, गुस्सा करेगा, पहले फर्स्ट टाइम में नहीं करेगा, सेकेंड टाइम में नहीं करेगा, लेकिन तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार ऐसे करोगे तो वो चिड़चिड़ापन करने लगेगा, एग्रेसिव होने लगेगा, कोई भी आएगा ना तो उसको भौंकना स्टार्ट कर देगा, जैसे लगेगा सिक्कर तोड़ा देगा, ऐसे तो आप इसको जायज रखने दो ऐसे ही आपका डॉग एग्रेसिव होगा, जब आपका एग्रेसिव होगा, और दूसरी चीज जब आप इसको बाहर लेकर जा रहे हो, जैसे मान लो कि आप इसको बाहर घुमा रहे हो ना, खोल के लेकर मत जाओ, सिक्कर लेकर जाओ, अदर कोई भी डॉग देखो ना ऐसे बार बार बनाओ, मतलब उसको तुम साथ में रहोगे ना तो आपका डॉग आओ 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 आप कहाँ जी भाई, देखो राक्षस जैसा शरीर है, अगर आप इसको बाहर लेकर जा रहे हो तो अपने सिक्कड़ में खुद ब खुद बांध के लेकर जाओ, हम एक चीज नोटिस किया कि अगर आप इसको छोड़ दोगे, अगर आपका डॉग डरता है तो अकेले नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप साथ में जाओगे ना तो मार लगा मेजर, आप साथ में जाओगे ना तो इसका एक जोर जोर से बंधा रहता है, ठीक है, ये डरेगा नहीं, ये जाएगा, तो आप इसको परेशान है ज्यादा, आप इसको खुद ब खुद अपने रस्सी में, मतलब अपने साथ लेकर जाओ बाहर टहलाओ, अदर डॉग देखो तो खुद इसको मतलब ललकारो इसको कि मतलब जाओ उसको काटो, सिक्कड़ में पकड़े रहो तो ये खुद ब खुद धीरे धीरे स्टार्ट करेगा, ठीक है, आप चाहते हो कि डायरेक्ट वैसा बन जाए तो डायरेक्ट वैसा नहीं होगा, धीरे 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 एग्रेसिव होगा, आप जितना चिड़चिड़ा बनाओगे उतना होगा, कोई भी देख रहे हो, एक बार बस बोलने की देर है, ठीक है, बस गेट खोलेंगे तो सीधा बाहर जाएगा, अटैक करेगा, देखो देखो अभी अभी आप लोग को सैंपल दिखा, छत पे बोलने को बस मार दे, अभी बस देखो आप इसको छत पे जाने के लिए बोलेंगे, गया, इतना टैलेंटेड हो गया, चल नीचे आ, ओके, अभी देखना बस हम इशारा करेंगे छत करके, छत पे इशारा करेंगे, देखना कैसे छत भाग, देखो मैं बस मैं इशारा कर रहा हूँ तू देख रहा है, इसका शकल देखो, तो मतलब अगर हम इसको किसी इंसान के ऊपर इशारा कर देना, ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास कोई में खड़ा है और उसको टच करके ऐसे बोल दे
तो ये तुरंत एग्रेसिव हो जाएगा, तो करने लगेगा। अगर तुम वहां पे प्रॉपर खड़े रहे, जैसे मान लो मैंने तुमको इशारा किया काटने के लिए, अगर तुम प्रॉपर खड़े रहे तब तो ठीक है, अगर तुम एक दो कदम जहां पीछे हटाए तो भैया ये तुरंत तुमको काट लेगा। तुम जहां से भी डर के पीछे हटे तो तुरंत आपको काट लेगा। इसलिए तो ये डिफरेंट है भाई। तो मैं तो यही कहूंगा, एक बांध के रखो, कोई भी आ रहा है भोक रहा है, जितना ही भोक रहा है भोकने तो बाहर अदर लोगों को खिलाने कुदाने से बंद कर दो। अगर आपके घर के बाहर लोग आ रहे हैं, घर के अगल बगल के बच्चे आ रहे हैं खिला रहे हैं, तो ये चीज आप एकदम साफ बंद कर दो, मत खिलाओ उसको। अपने पास फैमिली मेंबर रहने दो, पूरे दिन बंदे रहने दो, दो टाइम खाना दो उसको, एग्रेसिव बनाओ उसको, ललकारो, ठीक है, उसको ललकारो, बार बार परेशान करो, बार बार दांत दिखाएगा, परेशान होगा, इरिटेट होगा, तब जाके एग्रेसिव होगा। बाहर डॉग अगर देख रहे हो तो सिक्कड़ में बांधे रहो, करते रहो ऐसे, मतलब इसको इतना गुस्सा दिलाओ उसको जाकर काटे, लेकिन आपको सिक्कड़ पकड़ा घींचेगा, एक बार दो बार तीन बार दस बार, आप इसको इस चीज को कंटिन्यू रखोगे ना तो आपका डॉग वैसा हो जाएगा। तो यही डिफरेंट है भाई। मैंने मेजर को वैसे ही रखा, एलेक्स को भी वैसे ही रखा था, लेकिन एलेक्स उस टाइप की नहीं हो पाई थी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम रखा था तो हमको उतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो आई होप आप लोग को मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। वीडियो समझ में आई तो कमेंट करके बताना कि अंकित भाई ये वीडियो मतलब आप लोगों को समझ में आया है नहीं, या फिर ये वीडियो जो मैंने ऑप्शन टिप्स बताया ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। कमेंट करके बताना कैसा लगा कैसा नहीं, और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।